तो स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ओल्ड स्लैब को न्यू स्लैब से कैसे जोड़ा जाता है, जॉइंट्स को लीकेज प्रूफ कैसे बना सकते हैं हम, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक टिपिकल सेक्शन लिया हुआ है। घर बनाते समय दोस्तों आपको फ्यूचर एक्सटेंशन करना हो तो एक्सटेंशन बार छोड़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सटेंशन स्लैब बनाते वक्त इसका बहुत ही यूज होता है। यहाँ पर भी एक सेक्शन हमने निकाला है, ये जो आप देख रहे हैं वो आरसीसी स्लैब है, उसका अंदर जो दो लाइन्स आपको दिख रही वो रेनफोर्स बार है। उसको हम नए स्लैब से जोड़ते वक्त हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दिखाया हुआ है सेक्शन में। यहाँ पे हमें वेल्डिंग करना पड़ता है। यहाँ पे हम वेल्डिंग करेंगे तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ तो थोड़ा सा बार का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा सकता है। यहाँ से एक्सटेंशन बार को हमने यहाँ पे वेल्डिंग करके इसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश की है, और ये मेथड भी बहुत जगह यूज होता है। ये आप देख रहे हैं न्यू बार्स है जो कि एक्सटेंशन को हमने वेल्ड किए हैं, ये ओल्ड बार्स है। तो इसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, ऑन साइट काम कैसे होता है वो भी दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अभी साइट पे। तो साइट पे ये आपके सामने है ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब का बीच में का रेनफोर्समेंट। अगर हम 5-6 इंच एक्सटेंशन बार को नया स्लैब का रेनफोर्समेंट वेल्ड करते हैं तो चल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। और यहाँ पे हमने वेल्डिंग भी नहीं दिया है क्योंकि स्लैब का जो स्पैन है वो बहुत बड़ा नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाइंड ही किया है, यहाँ से बाइंड करके ये यहाँ से ओल्ड स्लैब को बाइंड करके ये न्यू बार यहाँ से हमें यहाँ से यहाँ ये चला जाता है वहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं ऑन साइट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको एक्सटेंशन करवाना हो आपके घर का तो स्लैब को एक्सटेंशन रेनफोर्समेंट जो है वो छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, आपको इंटीरियर रिलेटेड और सिविल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप ओल्ड स्लैब को न्यू स्लैब से ज्वाइन करते तब यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें ऐसा कट करके लेना आरसीसी को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यू स्लैब जो है वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर केमिकल लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिए, ये पूरा स्लैब हो जाएगा हमारा और ये ओल्ड स्लैब हो जाएगा, इसको यहाँ से कट करना बहुत ही ज़रूरी है। रेनफोर्समेंट वैसे ही रहेगी, सिर्फ इसका कंक्रीट जो है वो कट हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने तिरछा ही कट किया हुआ दिख रहा है आपको सामने। इसके ऊपर डॉक्टर फिक्सिट का हम केमिकल प्रोसेसिंग करवाएंगे बाद में, जब स्लैब इसका वर्कआउट होगा उस वक्त हम डॉक्टर फिक्सिट या दूसरा कोई भी अपॉक्सी मटेरियल लगा देंगे, या फिर सिक्का का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिक्का करके ब्रांड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं केमिकल का। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसे 2:1 इस रेशो से हम मिक्स करके इधर लगाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।